नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। मैंने यहाँ पर आधी किलो लौकी ली है। लौकी को मैंने धो के छील लिया है और 150 ग्राम चीनी। अब हम लौकी को घिस लेंगे। अगर लौकी के बीज की हिस्सा बीज वाली होती है, यानी उसे पक्के पक्के बीज होती है, तो अब उस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक बीज वाले हिस्से को निकाल दें। तैयार है हमारे घिसी हुई लौकी। आप चाहे तो इसमें लौकी का पानी भी निकाल सकते हैं निचोड़ के, लेकिन मैं इसमें से नहीं निकालूंगी, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी। घी गरम हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे लौकी। मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया है। लौकी को हम भून लेंगे अच्छी तरह। हमारे लौकी भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैं यहाँ पे आधी किलो दूध ले रही हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। दूध अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। दो इलायची, मैं यहाँ पे इलायची कूट कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर फूड कलर। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। आप इसमें किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हरा कलर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को भून के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बादाम, तैयार है हमारे लौकी का हलवा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।